बट ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट्स ऑफ डिस्कशन टुडे, आज बहुत सारी बातें होंगी एंड वी डिस्कस एवरी प्रोस्पेक्ट व्हिच इज योगेंद्र बेटा आप ओके करो अपनी तरफ से, आपको आस्क इन म्यूट जा रहा हूं उधर से, आप ओके करो बच्चा। यस योगेंद्र सर, ये क्वेश्चन करके एसएसबी की तैयारी किससे करूं? एसएसबी की तैयारी किससे करूं कि कैसे करूं कि कहां से करूं, पहले ये क्लियर करो मेरे को। कैसे करूं, कहां से करूं? वेरी गुड। सबसे पहले बेटे रहने ऑफलाइन सर, दैट्स वेरी नाइस। तो एग्जैक्टली बच्चा ये मुझे बताओ योगेंद्र आप कि लाइक करंटली आप क्या कर रहे हो बच्चा इस समय? अभी तो सर कुछ नहीं कर रहा हूं, इसी तरह रूम पर है। कहां से बिलोंग करते हैं योगेंद्र आप? भागलपुर बिहार। अच्छा बिहार से हैं आप, चलिए बढ़िया है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है अभी तक लाइक 10 प्लस 2 इसी बार आपने बिहार से क्लियर किया था कि इससे पहले क्लियर कर लिया था? तो इससे पहले आप एसएसबी में गए या फिर रिटर्न नहीं क्लियर हुआ आपका? चलिए ओके, देखो सबसे पहली चीज बेटा, इफ यू टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा बेटा, यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन फर्स्ट। आपको लैंग्वेज पे अपने अच्छा खासा काम करना होगा एंड अब उसके लिए थोड़ा सा आगे मैं चाहूँगा कैप्टन सर आपको गाइड करें कि आगे आपको किस तरह से कम्युनिकेशन बेहतर करना और कैसे हम मदद करेंगे। एग्जैक्टली हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर इस समय एक्टिव हो चुके हैं, तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बट तब भी सर जी जी ऑफलाइन भी हम स्टार्ट हैं। तो मैं चाहूँगा सर इस बच्चे के योगेंद्र के लिए क्या कहना चाहेंगे? योगेंद्र लास्ट टाइम बेटा जब आप गए थे स्क्रीनिंग के लिए तो एक तो मसला आपके नरेशन का रहा होगा, आप नरेट नहीं कर पाए अपनी स्टोरी को ढंग से। जी सर, और ओआईआर भी ने हाँ, ओआईआर बहुत जरूरी होता है, बाकी सब लोग भी ध्यान रखेंगे। ओआईआर अगर आपका अच्छा नहीं है तो स्क्रीनिंग में दिक्कत आएगी ही आएगी आपको। पूरा सर ओआईआर टाइम नहीं, इट इज टेस्ट ऑफ योर आईक्यू लेवल, इट इज नॉट टेस्ट ऑफ रीजनिंग। हालांकि क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं लेकिन इसका एक बेसिक तरीका होता है योगेंद्र, योर मेंटल एज। ये टेस्ट जो होता है ये डिज़ाइन किया जाता है DIPR के द्वारा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, वो सेट बना करके देते हैं सिलेक्शन बोर्ड को। एंड देयर इज नॉट ओनली वन सेट, देयर आर अराउंड 600 सेट प्रिपेयर्ड बाय DIPR और हर एक का टफनेस अलग अलग है। तो पेपर अगर आसान आ गया तो आपका OIR जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगा अपने आप। पेपर मुश्किल है तो परसेंटेज नीचे भी आ सकता है, बट वॉट इज मेजरली इंपॉर्टेंट फॉर दिस इज योर मेंटल एज, मतलब जितना परसेंट आपको नंबर मिला है, प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत मायने रखता है, आपकी एक्चुअल एज। फॉर्मूला फॉर दिस इज सिस्टम जनरेटेड रेटिंग, ये मैनुअल रेटिंग नहीं होती है। तो जब आप SSB में रिपोर्ट करते हो तो आपका पहले डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स फीड की जाती है, उसी के आगे फिर आपका वो जो परसेंटेज कितना परसेंट नंबर आपको OIR में मिला है वो लिखा जाएगा, कैलकुलेटिंग इट टू योर डेट ऑफ बर्थ। सो योर मेंटल एज डिवाइडेड बाय योर एक्चुअल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज अ सिंपल फॉर्मूला फॉर गेनिंग समवन्स OIR। ठीक है, तो वहां गड़बड़ हो गई है कुछ? सर हाउ आई कैन इंप्रूव माय सेल्फ OIR? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल बेटा, बिना प्रैक्टिस के तो हो भी नहीं पाएगा, ऑल ऑफ अ सडन कैसे करोगे। और आसान तरीका है रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ साथ घर में रोज कोशिश करो, न्यूज़पेपर में भी मिलता है, ऑनलाइन मोबाइल्स पे भी है, अभी तो सुडोकू अगर सॉल्व कर सकते हो तो इसका फायदा आपको, आपका दिमाग तेज होना चाहिए, खुला दिमाग होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, देखो सबसे पहले योगेंद्र आपको ये समझना है बेटा, नाउ यू नीड टू डिसाइड बिकॉज़ 2 महीने का टाइम है योगेंद्र, जैसे सर ने आपको प्रैक्टिकली बताया, बट आपको अभी एग्जैक्टली बच्चा काफी वर्कआउट करने का जरूरत है, लाइक इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, OIR पार्ट, ओवरऑल फिजिकल एफिशिएंसी भी है, बिकॉज आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन की हम बात करें तो राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंड वर्बल दोनों प्रोस्पेक्ट से बेटा आप कमजोर हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर सकती है। बट दैट्स नॉट मीन योगेंद्र की कोई चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट कि आप में वो पैशन होगा, वो जज्बा होगा और उस चीज़ को करने का एक आप कहीं ना कहीं हुनर रखेंगे तो उस चीज़ को कर ले जाएंगे बेहतर ढंग से। एंड ऑब्वियसली वी आर स्टार्टिंग फ्रेश बैच फॉर द ऑफलाइन स्टूडेंट ऑन मंडे, मंडे को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैच, तो जब भी आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, एवरी मंडे वी हैव अ फ्रेश बैचेस फॉर द ऑफलाइन एंड इक्वली एवरी मंडे वी हैव अ फ्रेश बैचेस फॉर द ऑनलाइन टू, तो आप जहां भी कंफर्टेबल फील कर पा रहे हो एंड आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही हो बेटा, जस्ट चूज दैट प्लेटफॉर्म, स्टार्ट लर्निंग, बिकॉज
बहुत गोल्डन मौका मिला है योगेंद्र इतने प्रयास के बाद, एंड मुझे लगता है कि इस बार आपको तन मन धन से बेटा अपना 100% देना चाहिए अगर वाकई में आप एक अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, और ठान लेंगे तो कुछ भी हो सकता है, दैट्स नॉट ए इशू, वो कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है आपके लिए, ठीक है बच्चा? तो सर आ जाऊंगा जी, बिल्कुल आप बच्चा प्लान करिए और आ जाइए, कोई दिक्कत कोई नहीं ऋषिकेश, हम आपसे फॉर वॉट बेटा आप लोग आए और रियल ग्राउंड पे अब लग के मेहनत करें, बिकॉज आपको साइकोलॉजी भी अच्छा करना है बेटा, जीटीओ भी अच्छा करना है, इंटरव्यू पार्ट भी अच्छा करना है, एंड यू नो दैट कि ये कहीं ना कहीं मास ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आता, वन टू वन इंटरक्टिव होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है एकेडमी का हिस्सा बने और सही ढंग से ट्रेनिंग ले अपने ऋषिकेश, इट्स अ फर्स्ट टाइम बडी फॉर यू सर, मेरा मतलब वहां अप्लीकेशन कोर्स मतलब पेमेंट मैंने किया था आपके, तो मेरे पता हो चुका है जी जी, पूरा वन ईयर का जी जी, तो उसके बाद मुझे तीन ओवर की पेमेंट करना पड़ेगा बेटा, 50% से आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है कंपनी के द्वारा, आप रिजाइन भी कर सकते हैं, ठीक है? जस्ट ऋषिकेश अब हम आपको देख पा रहे हैं, ये लोग भी देख रहे हैं, क्या हो गया, रिकनेक्ट कर, चलिए रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, आवाज आवाज मेरी जा रही है चुप, नहीं नहीं रुकिए थोड़ा सा सही कर लो फिर उसके बाद, हेलो यस बेटा आई एम कमिंग यू, आई एम कमिंग यू, पहले ये सही कर लो सर को भी नहीं है, और दिखाई दे रहे हैं आपको, ऋषिकेश की भी आवाज कट गई वहां से, चलिए एक बार रितेश से ऊपर बात कर लेते हैं, रितेश फर्स्ट रो फोर्थ पोजीशन, लेट्स कम टू द रितेश, यस रितेश बेटा ओके करो अपनी तरफ से बच्चा, जैन जैन भैया हाउ यू, अब हम और सर दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं जी सर, फाइनली मामला सॉर्ट आउट हो गया, इतनी देर से टेक्निकल, मेरे को लग रहा था कि यार पूरी कायनात लग चुकी है कि हम एक दूसरे को ना देख पाए, बट कहते हैं कि जब इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कुछ भी हो सकता है, और फाइनली हम एक दूसरे के सामने हैं, और बिल्कुल खुल के बात होगी, आप टेंशन मत लें, हम सबसे मुलाकात करेंगे, सबसे बात करेंगे, बिल्कुल मत घबराइए, एंड दैट्स व्हाई वी कम ऑन द स्पेशल प्लेटफॉर्म, क्योंकि इस तरह देख के रितेश बात करने का मजा ही कुछ और होता है, तो चलिए रितेश क्या प्रश्न आपका है पूछिए, बिल्कुल बेटा मंडे से हम लोग शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, एंड प्रॉपर बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे, तो ऑब्वियसली आप लोग को अगर जर्नी स्टार्ट करना है तो फ्रॉम मंडे यू कैन स्टार्ट बेटा, एंड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे हम स्टार्ट कर रहे हैं मंडे ऑनवर्ड्स, तो यू कैन कनेक्ट विद, यस बेटा यस, लेट्स कम टू द दिव्या, दिव्यांश मिश्रा, दिव्यांश यस, लेट्स ट्राई टू दिव्यांश, देन दिव्या परीख, यस आई विल जस्ट टॉक एवरीवन, डोंट वरी हम सबसे बात करेंगे, आप चिंता ना करें, यस बेटा दिव्यांश, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग बच्चा मॉर्निंग, सर एक्चुअली आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द स्क्रीनिंग प्रोसीजर, बिकॉज़ इट इज समथिंग दैट यू कांट प्रिपेयर बाय योर ओन सेल्फ, व्हेन इट कम्स टू ओआई या यू कैन प्रैक्टिस इट एट होम एंड you can get better knowledge in that particular area, but when it comes to PPDT there is a lot of aspects, like you have to participate in GD and you have to get your story judged, that how do you portray the social problems in your story, sir, I need real advice on the PPDT, sir, how I can improve my performance in PPDT, because it's my first SSB and I don't want to get screened out. चलो देवांश कंग्रेचुलेशंस, इट इज योर फर्स्ट टाइम, यू विल बी अपेयरिंग फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, देखो होता क्या है, ओआईआर की प्रैक्टिस तो कर लोगे घर पे, लेकिन उसको भी चेक करने के लिए कोई चाहिए आपके साथ हु नोज एग्जैक्टली कि ओआईआर ग्रेडिंग किस लेवल पर डिसाइड की जाती है, अदरवाइज आ गया तो जैसे आपको अगर आ गया है तो बाकियों को भी तो आएगा, इफ अ क्वेश्चन पेपर इज सिंपल देन इट इज सिंपल टू एवरीवन, then what will be the rating for OIR, वो कोई decide करने वाला होना चाहिए एक तो पास में, दूसरा most important thing for screening is your OIR as well as your narration, ये दो चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए,
So when you narrate your story, you need to be loud and clear, compressed. Try to finish your narration within 45 seconds. जिसकी प्रैक्टिस यहाँ क्लास में कराई जाती है, पहला फोकस यही रखा जाता है कि आपका नरेशन बहुत अच्छा हो, ठीक है। डिस्कशन में अगर आपका ग्रुप बिहेवियर थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है तो चल सकता है काम, लेकिन नरेशन बहुत मायने रखता है आपका। जो चार चीजें हैं देखो, वन इज योर OIR, सेकेंड इज योर हाउ वॉट स्टोरी यू हैड रिटन, प्लॉट ऑफ योर स्टोरी वॉट वी कॉल, थर्ड इज योर नरेशन, एंड फोर्थ इज योर बिहेवियर इन ग्रुप, ग्रुप डिस्कशन। आउट ऑफ दीज फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर योर OIR एंड नरेशन, ये दो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। देखो बेटा, ये आप तो सुन रहे हो, बाकी भी सभी लोग सुन रहे हैं, तो इट इज अ कॉमन आंसर टू ऑल ऑफ यू। दो तरीके की बात होती है ग्रुप डिस्कशन में, एक होता है आर्गुमेंटेटिव बातचीत और एक होती है इंफॉर्मेटिव बातचीत। जो सिलेक्शन बोर्ड आपके अंदर देखना चाहता है वो है इंफॉर्मेटिव बातचीत कितना करते हैं आप, ठीक है। एज अ यंगस्टर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी कहानी सुनाने के लिए, आप मेरा आइडिया मेरा सिलेक्शन इसी उधेड़बुन में लगे हुए हैं। दूसरा कोई अच्छी बात कह रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने में जो हिचकिचाता है वो कभी भी ऑफिसर नहीं बन सकता फौज में, ठीक है। तो यू शुड हैव दैट एबिलिटी सेइंग गुड टू अ गुड स्टोरी, यू शुड अप्रिशिएट। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात होती है बेटा, अगर आप एक्सेप्ट करना सीख गए जिंदगी में तो हमेशा आगे जाओगे, अदरवाइज फिर वो मैं और मेरा सेल्फिश अप्रोच सिलेक्शन बोर्ड में चलता ही नहीं है। नॉलेज एक अलग चीज है, नॉलेज सभी को होगी, आप सब इतने अच्छे हो, आप UPSC का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके यहां तक आए हो, तो नॉलेज में तो सिलेक्शन बोर्ड को भी डाउट नहीं है, है ना देवांश, क्योंकि UPSC जो है वो हिंदुस्तान की हाईएस्ट एग्जामिनिंग बॉडी मानी जाती है। तो जब UPSC आपकी नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा है, वो पास करके भेज रहा है, तो सिलेक्शन बोर्ड नहीं लगाएगा। यहां नॉलेज का मसला नहीं है, मसला है कि ये यंगस्टर चार साल बाद हमें कैसा लीडर बन के मिल सकता है, है ना। तो लीडरशिप ट्रेड्स की बात हो रही है और वहां आपका एक्सेप्टेंस लेवल हाई होना चाहिए ग्रुप में काम कर रहे हैं। एंड देवांश एग्जैक्टली समथिंग बेटा, इट्स नॉट रियली ट्रू कि हम यहां से बैठ के भी बहुत कुछ आपको बता सकते हैं। अनटिल यू नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्रुप बेटा, वी विल नेवर अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आप में क्या प्रॉब्लम है। दैट्स ट्रू कि एवरीबॉडी एनालाइज देयर ओन पर्सनालिटी ऑन बिहाफ ऑफ हिम कि वो मेरे को, मैं अच्छा हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जैक्टली बेटा, वंस यू कम इन द ग्रुप पार्टिसिपेशन, once we check you one to one mock session for the mock interview, once you participated for the all outdoor task in the group and even group task for indoor too, so in that condition we understand ki exactly aapke andar kya kami hai aur kin cheezon pe aapko khud ko kaam karne ki aavashyakta hai. In this case look, actually we create the hauwa regarding the English language beta, and the one strong dialogue we added ki sir we are coming from a state board background, that's why sir we are not capable to speak in English. Bhai ye kahan likha hua hai? I always put a very strong example in front of each and every NDA aspirant because NDA ke background se hu, so I can understand the feeling and emotion of yours. To mujhe yaad hai bhai, 10th ka baad mere ko interview dena tha, main gaon se padh ke nikla aur mere usse jab interview dene gaya main kisi inter college mein, to wahan pe jo hai wo mere se pooch rahe the bataiye ki what is atom. Ab zindagi mein kabhi atom suna ho to samajh mein aaye, zindagi bhar to parmanu padha hua hai, parmanu poocho to parmanu batayenge. He was asking about the mole. अब भाई शुरू से अणु सुन रखा है तो मेरे को मोल कहां से आ जाएगा? तो द क्वेश्चन इज दैट कि हां, देन ही आस्क सेम थिंग इन हिंदी टू, ऐसा नहीं कि सर उन्होंने अंग्रेजी पूछा, फिर उन्होंने बेटा वो समझ गए एंड आस्क मी परमाणु वालों, फिर तो धड़ाधड़ फिर तो अपनी भाषा की कोई दिक्कत नहीं था। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज, बट आफ्टर दैट इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं वैसा ही रह गया, स्टार्टेड वर्किंग ऑन मायसेल्फ बिकॉज मैं जिस कॉम्पिटिशन के लिए जा रहा हूँ या जिस कॉम्पिटिशन के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट बेस्ड कॉम्पिटिशन, नेशनल कॉम्पिटिशन। जिस प्रोफेशन के लिए आप जा रहे हो, ऑब्वियसली आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह जाओगे, एंड आई थिंक वन वे ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, वही एक भाषा है, क्योंकि आप कन्नड़ कनाडा जो है पहाड़ी ये वो इतनी सारी लैंग्वेजेस तो नहीं सीख पाओगे ना, देन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज इज अ वे बाई विच यू कैन टॉक टू एनी वन, आप किसी से बात कर लोगे।
द पॉइंट इज कि इसको हवा मत बनाओ, लेट्स स्टार्ट यार, थोड़ा सा शुरुआत करो आप सब, कुछ नहीं करना है अभी ऋषिकेश, आप इंग्लिश लैंग्वेज के इश्यू को लेकर बैठो, कल भी सेशन में मैं शेयर ही कर रहा था, मैं अभी आपसे यहाँ बैठे बैठे पूछ लूं कि ऋषिकेश टेल मी अ सिंगल वर्ड इन हिंदी जिसकी तेरे को अंग्रेजी ना आती हो, टेल मी अ सिंगल वर्ड इन हिंदी। तो बात नहीं समझा मेरे, मैंने कुछ और ही पूछा, मैंने क्या पूछा, हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वही हुआ हनुमान जी वाला हाल है। अब तुम लोगों को सुग्रीव चाहिए, सुग्रीव नहीं चाहिए सर, जामुन चाहिए, जामुन चाहिए जो तुमको एहसास कराए कि हैव एनफ पावर बेटा, आप में बहुत शक्ति है, एंड यू लर्न अ लॉट टिल नाउ and you crack the UPSC examination, it's not a joke, Rishikesh, you have a potential, you have a subjective knowledge, imagination se koi UPSC exam nahi qualify karta beta, uske liye main samajhta hu kitni mehnat hoti hai, kitna ground credibility maintain hai, wo jo english ka part kyun, english ke aapke 50 question nahi the kya, aap perform nahi kiya kya jaake wahan, and that standard, itni achhi vocab, itna achhe question common era part se, itna standard question jo hai reading comprehension, is baar to chalo nahi aaya tha luckily, but kahin na kahin vocab aur aapne grammar pe kaam kiya tab beta aap itna achha ho paaye hain। तो बस थोड़ा सा शुरुआत ये करना है कि क्रिएट सच अ सर्किल अराउंड यू, अभी जैसे हम लोग हैं तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाने चल रहे हैं जिसमें दो चार दोस्त आप लोग, ये जो नंबर गया है अब जिस सर ने बात किया होगा, मैम लोग बात किए, पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना दे रहे हैं, दो चार दोस्त आपस में आप कनेक्ट होइए, क्रिएट, आप अगर आधे घंटे भी एक साथ कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस में करें एवरीडे, बिकॉज आप किसी और से बात करने जाओगे तो कोई करेगा नहीं बेटा, सो वी आर क्रिएटिंग अ ग्रुप, हम ग्रुप इसीलिए बनाते हैं बेटा जिससे कि थ्रू आउट जो है आपके सिलेक्शन तक वो ग्रुप आपके साथ रहे और फाइनली आप लोग एक अच्छे रिजल्ट्स को हमारे सामने लेके आ पाए, ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच बेटा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं वन ऑनलाइन बैच स्टार्ट बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोगों का दोनों शेड्यूल मंडे को होता है, तो जब भी आपको स्टार्ट करना है बेटा मंडे शेड्यूल में आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चों का ये भ्रम है, पूरे देश के बच्चों को अलर्ट कर देना चाहता हूँ, जो 8,207 बच्चे उनको पूरा अलर्ट करना चाहता हूँ मैं कि प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो यार, आपको अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है बेटा, और उस लेवल पे काम होगा तभी वो परफॉर्मेंस आएगी कहीं ना कहीं। अब पर्सनैलिटी के टेस्ट में कोई ना कोई भाषा तो अभिव्यक्तिकरण के लिए बनाई ही जाएगी, अब वो भाषा हिंदी भी हो सकती है, वो भाषा अंग्रेजी भी हो सकती है। अगर आप लिखित तौर पे देखना चाहते हैं कि रिटन में सर क्या है, तो बिल्कुल वो इंग्लिश लैंग्वेज है कुछ, एंड एक्सप्रेशन में आपके पास ऑप्शन होता है कि यू कैन यूज बोथ लैंग्वेज, दैट मीन आप बाइलिंगुअल हो सकते हैं, बट दैट्स नॉट मीन कि आप हर टाइम बाइलिंगुअल ही हो, यू ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन इंग्लिश। सेकंड, कॉम्पिटिशन बेटा नेशनल लेवल की है और कॉम्पिटिटर स्ट्रॉन्गर बैठे हुए हैं बेटा, तो लाजमी सी बात है कि आपको भी परफॉर्मर बन के आना होगा और वही सफलता का आपका रीजन बनेगा बेटा। तो जस्ट गिव योर बेस्ट फ्रॉम योर साइड, अच्छे से मेहनत करिए बेटा, नए सिरे से काम करिए और खुद को बेहतर बनाइए, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। कुछ अब बात समझ रहे हमारे, एंड एज ए ऑर्गेनाइजेशन अंकुश हम हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है इस समय, ऑनलाइन ऑफलाइन आप किसी भी तरह से मेजर तरह से जुड़िए, बिल्कुल हम मेहनत करेंगे बेटा और आपको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे जो जरूरी है, ठीक है। And thank you very much. It was all lovely talking with all of you. बहुत मजा आया सर, एंड आशा करता हूँ हम भी कुछ सिखा पाएंगे आपको, और कोशिश यही थी कि कुछ बातें हम आपको बता पाएँ, समझा पाएँ, जिससे कि आपको काम आए बेटा। बिल्कुल एम के सी परिवार में स्वागत भी है आप सबका, आइए हम भी मेहनत करना चाहते हैं यार, आपका रिजल्ट आता है तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कोई जीत हमने स्थापित कर लिया, और इसी प्रयास से बीइंग अ टीचर शायद हम लोग मेहनत करते हैं, अगर आपके साथ बेटा मेहनत करते हैं तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि कुछ हमें भी मिले, और मिलना बेटा यही है रिजल्ट, उसके अलावा और कुछ है नहीं लाइफ में एक्चुअली। तो जस्ट कम, हम यहाँ तैयार हैं पूरा आपके साथ बेस्ट करने के लिए बेटा, बस आप सबको भी अपना बेस्ट देना है। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड इट वॉज लवली इंटरेक्शन सर, प्लीज कुछ आपके लास्ट में विश यू वेरी गुड लक। अब तो टाइम है आपके पास 2 महीने, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। अब वो टाइम चला गया कि कहते थे हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, अभी तो ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफ हार्ड वर्क, अब तो कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक कि मंजिल एक सीढ़ी आ गए हैं, अभी अगली के लिए फिर लगे रहो, रेस्टलेसनेस होनी चाहिए, ठीक है। चलो, विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।